चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहित की मौत हो गई, जहां परिजनों ने फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी मियाज खान की पत्नी रुखसाना खातून उम्र 23 वर्ष है। वह मृतिका की बहन सलमा ने बताया कि हम लोगों के माता पिता नहीं है, जो बहन की शादी 15 जून को सिकंदरपुर में हकीक खान के पुत्र मियाज खान से कराया गया था। जो भी शादी के 21 दिन ही हुआ था कि आज लड़की के ससुराल द्वारा नहीं बल्कि बगल के ग्रामीणों द्वारा सूचना है कि आपकी बहन की हत्या की गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो बहन का डेड बॉडी पाया गया। उन्होंने कहा कि दहेज के लिए मेरी बहन की हत्या की गई है। जो शादी के समय मियाज खान द्वारा अपाची बाइक मांगी गई थी, जो बाइक देने से समय मांगा गया तो उसी की खातिर बहन को टॉर्चर कर फांसी लगाकर हत्या कर दिया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लाया है, जहां डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले का खुलासा किया जाएगा। सर, उसको फांसी लगा के मारा गया है। फांसी लगा के मारा गया? हाँ। किसके द्वारा फांसी लगा गया था? उसकी बहन, उसकी भाभी। हाँ। उसके पति। पति पति हाँ। का क्या नाम था इसका? पति का नाम नियाज खान। और उसकी भौजाई उनके साथ मतलब चक्कर चल रहा? हाँ, चक्कर चल रहा था। और उन्हीं के द्वारा मिलकर इसको, हाँ, इसको मारा गया है। अभी इनका जो गला में लगा वो फांसी से ही हत्या? हाँ सर, फांसी से हत्या हुआ। आप लोग का क्या कहना है, इनकी हत्या कैसे हुई? इनकी हत्या सर फांसी से हुई है। वो भौजाई से फंसा था, वही देखी और उसके बाद देवर और भाभी दोनों मिलकर मार दिए उसको। उसको फांसी लगाकर? हाँ, फांसी लगाकर मार दिए। इनका क्या नाम था? इसका रुखसाना नाम था। आपका क्या नाम? हमारा नाम सलमा है। आप उनकी बहन? हाँ, उनकी बड़ी बहन है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हमारी सिकंदरपुर में है, हाटा में रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तारीख हुआ था अभी 20 दिन हुआ, आज 21वां दिन है। 21वां दिन, हाँ। ठीक, आपके घर मतलब शादी हुआ तो उसके बाद बहन से आप लोग को लास्ट बात कब हुआ है? बात हुआ सर ऐसा कि 25 तारीख को। 25 तारीख, हाँ, बात हुआ तो हम लोग उससे क्या कही बात हुई? बात हुआ तो हम लोग कहें कि क्या कर रही हो, तो बोली कि मतलब कि अपना हड़िया उड़िया और रसूम होता है ना, तो छू दिए हैं, खाना बना रहे हैं। बस इतना ही बात हुआ तो बोली कि अब्बू का तबीयत खराब है, उसके मतलब ससुर का तबीयत खराब है, उसी में हम लोग थोड़ा परेशान है, आप बाजी रख फोन, टाइम अभी नहीं खे, ऐसे हम लोग फोन रख दिए। उसके बाद में हम लोग जब भी फोन करते हैं वो फोन रिसीव नहीं होता है, बात करने नहीं देते हैं लोग, मोबाइल सिर्फ काट देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं, बात उसको करने नहीं देते। आज क्या फोन करने नहीं दिया? उसके मतलब ससुराल वाले, ससुराल वाले, हाँ, बात करने नहीं देते लोग। अच्छा। आज हम लोगों को ये रिपोर्ट मिल सके, लोग अपना मार दिए लोग, चाहे फसरी लगा के उसको मारने के बाद वो लोग हम लोग के यहाँ फोन भी नहीं किए, फोन भी नहीं किए। हम लोग को गाँव से खबर मिला कि आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी आए, यहाँ पर मट्टी दिलाने का सुविधा हो चुका है। हम लोग के जाने से पहले कब्र भी खोदा गया था मट्टी देने के लिए। गांव से खबर मिला तो हम लोग हाटा से, हम हाटा रहते हैं तो हाटा से हम लोग ये गए बबुरा रहती है भभुआ, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ के जहंदार मुखिया केस को रफा दफा कर दिए थे, बोले कि तुम लोग को करना कोई फायदा नहीं है, जो है उसको मट्टी देकर काम खत्म कर दो, अपने घर पर जाओ। हम लोग बोले कि अभी हम लोग काम खत्म नहीं करना चाहते, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जब वहाँ पर गई थी तो डेड बॉडी कहाँ मिला? उनके घर पर। घर पर मिला तो हाँ। किस अवस्था में मिला डेड बॉडी? इसी तरह लेटाया हुआ मिला था। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे, इनको मतलब या कोई मारा गया है अपने से? नहीं सर, उनको इनको मारा गया है। एक हम लोगों से शादी हुआ था तो हम लोगों से यही कॉल था कि हमको अपाची चाहिए, तो हम लोग बोले कि हम लोगों को थोड़ा समय, अपाची मांग रहे थे। अच्छा। तो हम लोग बोले कि हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाता खाता है, थोड़ा हम लोग को समय चाहिए, अभी थोड़ा समय मिलेगा तो हम लोग पैसा दे देंगे, अपाची खरीद कर दे देंगे। शादी मांगे गए थे लेकिन अभी दिया नहीं गया। अभी दिया नहीं गया, अभी सर कहाँ टाइम हुआ? वही मतलब दहेज मांग, दहेज मांग था, हाँ, इसी को लेकर हत्या की। हाँ, वो भी थोड़ा भौजाई से उसका। कब हम से? हम लोग चार बहन थे। चार बहन, आप बहन हैं? हाँ, बड़ी बहन है। हमारा नाम सलमा है। इनका मायके कहाँ है? चंदौली। चंदौली, हाँ। कौन सा गांव? सिकंदरपुर, अरे यहाँ बसीला। एक कौन सा गांव? बसीला। बसीला, हाँ। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।